नमस्कार, एनआर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समस्तीपुर से जकी अहमद की रिपोर्ट। समस्तीपुर डीएम शशांक शुभांकर ने 16 अगस्त तक के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को लेकर जारी किए गए अपने निर्देश में संशोधन किया है। उन्होंने कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि लॉकडाउन अवधि में दुकान खोलने के संबंध में जिला प्रशासन ने फिर से आदेश जारी किया है। इसके तहत अब जिले के सभी दुकानें सामान्य दिनों की तरह ही खुलेंगे। इससे पहले आवश्यक दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को शनिवार और रविवार को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया था। डीएम ने बताया कि हालांकि लॉकडाउन को लेकर जारी निर्देश का पालन सभी को करना होगा, मसलन दुकानदार व उसके कर्मी सहित सभी ग्राहकों को मास्क का प्रयोग करने के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। इसमें 1410 कंफर्म पॉजिटिव केस है जिला में, एक्टिव केस 540 है, डिस्चार्ज केस 864 है। अभी हाल में हम लोगों ने जो टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, कल 991 टेस्ट हुआ है डिस्ट्रिक्ट में। आज हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1000 टेस्ट इस जिला में हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। हर प्रखंड में अवेलेबल करा दिया गया है टेस्टिंग के, रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। और अब हम लोग बोले हैं कि डिमांड बेस्ड टेस्टिंग करने के लिए कि जिसको भी टेस्ट कराना है वो जा करके वहाँ बस भीड़ का ध्यान रखते हुए वहाँ टेस्टिंग कराया जाएगा। आज हम लोग इसके लिए सभी निर्देशित भी कर रहे हैं कि अब जिसको जरूरत लगे टेस्ट कराने की उनको बुला करके टेस्ट कराया जा सकता है। अभी तक हम लोग फोकस कर रहे थे कंटेनमेंट जोन और पॉजिटिव का कॉन्टैक्ट से कराने का, लेकिन अधिकतर वो एग्जॉस्ट हो गया है। अब हम लोग डिमांड बेस्ड टेस्ट पर मूव करेंगे और जिसको जरूरत पड़ेगी वो टेस्ट करा सकता है। पॉजिटिविटी का जो प्रतिशत था वो, क्योंकि टेस्टिंग बढ़ी है तो बेस हमारा बड़ा हुआ है, तो पॉजिटिविटी का प्रतिशत कम हुआ है धीरे धीरे। मई में 7.7% पॉजिटिव आ रहा था, जितना सैंपल लिया जाता था उसका। जून में वो घटा था, 6% हुआ था। हमारा पीक आया था 20 जुलाई को हमारा 20% के आसपास था पॉजिटिविटी प्रतिशत, जो 1 जुलाई से 20 जुलाई का सैंपल था उसका जो हमने निकाले थे। हमारा पीक 21 जुलाई को आया था, जो 20% था। फिर 31 जुलाई तक कम हुआ, 10.8% पहुँचा। अगस्त में अभी 2 दिन का रिजल्ट है, 5.1% है पॉजिटिविटी का प्रतिशत। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रहा है पॉजिटिविटी का प्रतिशत ओवरऑल कम हुआ है। अभी पूरा जिला का 9.1% है, अगर हम शुरू से मई से लेकर अभी तक का निकालें तो 9.1%। हम लोग 20 जुलाई वाले पीक से काफ़ी कम हुए हैं, डेट बाई डेट देखेंगे। हम लोगों ने NM दलसिंह सराय मोटिवा में स्टार्ट कर दिया है ऑक्सीजन वाला फैसिलिटी, और आज रोसड़ा भी हम जा रहे हैं निरीक्षण करने, तो रोसड़ा में भी हम लोग आज से चालू कर देंगे ऑक्सीजन बेडेड फैसिलिटी। इसके साथ साथ वेंटिलेटर का भी फिक्स करने का काम चल रहा है सदर अस्पताल में, तो वेंटिलेटर भी हम लोग को उपलब्ध हो जाएगा। 3 से 4 दिन और लगेगा फिट करने में और ट्रेन करने में हमारे स्टाफ को, वेंटिलेटर फैसिलिटी भी उपलब्ध हो जाएगी। जिला में टोल फ्री लाइन भी शुरू किया गया है, यहाँ से बात किया जा रहा है लोगों को कॉल करके टोल फ्री नंबर से, और उनका कॉल भी आ रहा है और उनसे उनका स्वास्थ्य पूछा जा रहा है, और अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो उनको दवाई भी बताया जा रहा है, और जरूरत पड़ने पर आइसोलेशन में भी शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो टोल फ्री नंबर भी हमारा ऑपरेशनल हो गया है। इसी के संबंध में जो लॉकडाउन का गाइडलाइंस आया है, तो इसमें पिछले 2 दिनों के एक्सपीरियंस के आधार पर और फीडबैक के आधार सबसे है गहना, अभी घर में ही रहना, कोई काम हो जरूरी तभी रोड पे निकलना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज भी करना, कभी बाहर निकलना सोशल डिस्टेंस रखना, अभी हाथ ना मिलाना, मुंह पे मास्क लगाना, घर किसी के न जाना।